आगे बढ़ते हैं और अब बात बच्चों के वैक्सीनेशन की करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अब शुरू होने जा रहा है। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मार्च से मिल सकेगा। 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगेगा। एनटीएजीआई के अध्यक्ष ने बच्चों के वैक्सीनेशन की बात कही है। तो देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और बड़ी संख्या में इस वक्त तीसरी लहर की बात हो रही है, तो बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी जोर शोर से चल रहा है। बच्चों का वैक्सीनेशन 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन तो देश भर में शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में राहत की बात यह भी है कि अब मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा सकेगा। तो ये राहत की खबर और बड़ी खबर। कोरोना के बीच वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है, ऐसे में ये अच्छी खबर बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, जहां 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच जल्द मिल सकेगा। मार्च से कहा जा रहा है कि इसकी तैयारियां शुरू हो जाएगी, मार्च से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकेगा।